don't know our position. तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। और आज मैं अब सभी के लिए रॉन्गटन मूवी की कंप्लीट सीरीज को लेकर आया हूं, क्योंकि ये मेरी पर्सनल फेवरेट मूवीज में से एक है। तो दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग इस मूवी की सीरीज को पूरा देख चुके होंगे, लेकिन ये एक स्लैशर मूवी है और हो सकता है कि हम में से कुछ लोगों ने अभी भी इस मूवी को नहीं देखा हो। और अगर आप पहले भी इस मूवी को देख चुके होंगे तो एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। दोस्तों, रॉन्गटन सीरीज का पहला पार्ट रियल इंसिडेंट पर बेस्ड था, और जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो उस टाइम लोगों ने वो नई प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के साथ साथ जंगलों में जाना भी छोड़ दिया था, जिससे कि हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये मूवी कितनी ज़्यादा हॉरिफाइंग थी और इसमें दिखाए गए इंसिडेंट्स ने किस तरह से लोगों को अफेक्ट किया था। तो आइए मूवी को शुरू करते हैं। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग रिच और हेली नाम के दो लोगों को देख पाते हैं, जो कि माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे थे। रिच टॉप पर पहुंचकर काफी ज्यादा एक्साइटेड था, जिसके बाद में वो हेली से भी जल्दी जल्दी ऊपर आने के लिए बोल देता है, लेकिन हेली की रोप माउंटेन रॉक्स में फंस जाती है, जिस वजह से वो रिच से हेल्प मांगती है। लेकिन उसके काफी देर तक आवाज लगाने के बाद भी जब रिच का रिप्लाई नहीं आता है तो वो थोड़ा डर जाती है, और अचानक से उसके सामने रिच की डेड बॉडी आ जाती है, जिसका ब्लड उसके फेस पर आकर गिरता है। और तभी उसकी बॉडी को कोई नीचे फेंक देता है, और हेली की रोप से कोई अनजान आदमी उसे ऊपर की ओर खींचने लगता है, लेकिन हेली अपनी जान बचाने के लिए रोप को काट देती है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है, जहाँ पर वो अपने सामने रिच को बहुत बुरी तरीके से मरा हुआ देखती है। फिर वो वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागती है, लेकिन उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और इसी वजह से वो नीचे गिर जाती है। और तभी हम देखते हैं कि हेली को भी वो किलर खींचकर मार डालता है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हमें कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स दिखाई जाती है, जिसमें हम काफ़ी सारे मिसिंग लोगों को देख पाते हैं, जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में गायब हो गए थे और उनका पता आज भी नहीं चल पाया था। और इन्हीं न्यूज़ आर्टिकल्स में हम लोग कुछ डिफॉर्म्ड लोगों की पिक्चर्स को देख पाते हैं, जिन्हें जेनेटिक डिसऑर्डर होने की वजह से उनके जीन्स चेंज हो गए थे, जिस वजह से उनका फेस काफ़ी खौफनाक हो गया था। वो जेनेटिक डिसऑर्डर होने के कारण उनके फेस के साथ साथ उनकी मेंटेलिटी भी आदमखोर वाली ही हो गई थी, और वो कैनिबल बन गए थे। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग क्रिस नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि कार से अपने ऑफिस जा रहा था, लेकिन सामने वो बहुत ही ट्रैफिक देखता है, जिसके बारे में पूछने के लिए वो एक ट्रक ड्राइवर के पास में जाता है, जो उसे बताता है कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक केमिकल ट्रक पलट गया है, जिस वजह से काफ़ी लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है। और इसके बाद में क्रिस अपने ऑफिस में कॉल करके बताता है कि यहाँ पर बहुत ट्रैफिक है, जिस वजह से वो लेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर उसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है। और कॉल करने के सिलसिले में वो एक गैस स्टेशन पर पहुँचता है, जहाँ पर वो बहुत से लावारिस गाड़ियों को देखता है। फिर हम लोग क्रिस को उस गैस स्टेशन के मालिक से बात करता हुआ देखते हैं, जो कि उसके फ़ोन को यूज़ करने की परमिशन मांगता है, लेकिन उस गैस स्टेशन का फ़ोन भी डेड था, जिसके बाद क्रिस वहाँ पर लगे हुए मैप में एक शॉर्टकट रास्ता देखता है, जो कि कुछ दूर जाने के बाद में सीधा हाईवे से मिल जाता है। और उसे देखने के बाद में वो उस रूट के लिए निकल जाता है, और कुछ दूर चलने के बाद उसके सामने दो रास्ते आ जाते हैं, जहाँ पर वो जंगल से होते हुए हाईवे पर मिलने वाले रास्ते पर चला जाता है, और वहाँ पर उसे एक डियर यानी कि हिरन की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखने के चक्कर में सामने खड़ी हुई एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और उस कार में जा रहे सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। और क्रिस उन लोगों से गाड़ी को बीच रास्ते में खड़ी करने की वजह पूछता है, जिसके जवाब में जेसी उसे बताती है कि उनकी कार का टायर एक नुकीले तार में फंसकर पंचर हो गया है। और इसके बाद ये सब लोग हेल्प मांगने के लिए उसी गैस स्टेशन पर वापस जाने का सोचते हैं, और फ्रेंसिन और इवान भी वहीं पर रुककर उनके सामान को देखते हैं। अभी इन्हें अपने रास्ते में एक मरी हुई स्क्विरल और कुछ लावारिस गाड़ियों के टायर जलते हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखकर ये सभी लोग थोड़ा डर जाते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग इवान और फ्रेंसिन को देखते हैं, जो कि जंगल में ही इंटीमेट होते हैं। इसके बाद में वे लोग कार में अपने सामान को देखने लगते हैं, तभी इवान को पास ही की झाड़ियों से कुछ आहट महसूस होती है, जिसे चेक करने के लिए वो वहाँ जाता है, लेकिन काफी देर तक उसके नहीं लौटने की वजह से फ्रेंसिन भी उसके पीछे इवान को ढूंढने जाती है, जहाँ पर उसका शो दिखाई देता है। और थोड़ा सा आगे जाने पर उसे एक कटा हुआ कान दिखाई देता है,
और वो देखकर फ्रेंसिन बहुत ही ज्यादा डर गई थी। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही एक म्यूटेंट पीछे से आकर फ्रेंसिन को बेरहमी से मार डालता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग उन सभी फ्रेंड्स को देख पाते हैं जो कि चलते चलते एक अबैंडन्ड हाउस तक पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें और भी काफी ज्यादा लॉस्ट कार्स दिखाई देती है, जिन्हें देखकर वे लोग उस घर को एक्सप्लोर करने जाते हैं। लेकिन उस घर में उन्हें काफी सारी वियर्ड चीजें दिखाई देती है। वहां पर उन लोगों को बहुत सारे चश्मे और कार की चाबी भी मिलती है। क्रिस को फ्रिज में लोगों के कटे हुए बॉडी के पार्ट्स डब्बों में रखे हुए दिखते हैं और कार्ली को एक बाथटब में किसी का हाथ दिखाई देता है। और ये सारी चीजें देखने के बाद में वे लोग वहां से जल्दी निकलने का डिसाइड करते हैं। लेकिन तभी वो म्यूटेंट्स उन लोगों की कार के साथ वहां पर आ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए वे लोग उसी घर में ही छिप जाते हैं। और हम उन सभी म्यूटेंट्स को अंदर आते हुए देखते हैं, जिनका फेस काफी ज्यादा खौफनाक था। फिर वो लोग फ्रेंसिन की बॉडी अंदर लाते हैं और अपने बचरिंग टेबल पर उसे लिटाकर उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे खा लेते हैं। फ्रेंसिन की बॉडी को खाने के बाद ये सभी म्यूटेंट्स सो जाते हैं और मौका पाकर वो लोग उस घर से निकलने के लिए बाहर आते हैं। लेकिन जैसे ही वो गेट से बाहर जाने वाले होते हैं, क्रिस गेट पर लगे हुए ट्रैप को देख लेता है और उसे पकड़कर रोक लेता है और अपने सभी फ्रेंड्स को वहां से जाने के लिए बोलता है। ये सभी लोग वहां से जा ही रहे होते हैं कि तभी एक म्यूटेंट की नींद खुल जाती है, जिसे देखकर वो सभी वहां से अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। लेकिन वो सारे म्यूटेंट्स अभी भी इन लोगों को मारने के लिए इनके पीछे पड़ गए थे। फिर भागते भागते ये सभी एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी लावारिस गाड़ियां खड़ी हुई थी, जिसके पीछे ये सब चूक जाते हैं। लेकिन तभी वो म्यूटेंट्स भी अपने ट्रक के साथ में वहां पर आ गए थे और उन्हें मारने के लिए वो ढूंढने लगते हैं। क्रिस यहाँ पर एक प्लान बनाता है कि वो उन सभी म्यूटेंट्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगा और वे लोग उनके ट्रक को लेकर वहां से भाग जाएंगे। और क्रिस उन सबको आवाज लगाकर अपने पीछे भागने का ट्राई करता है, लेकिन एक म्यूटेंट अपनी गन से क्रिस के पैर पर शूट कर देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर जख्मी हालत में गिर जाता है। तभी उनका एक दूसरा फ्रेंड उन सभी म्यूटेंट्स को अपने पीछे ले जाने का ट्राई करता है और वो उसके गन के शॉट से भी बच जाता है। और मौका पाते ही जेसी और कार्ली उन म्यूटेंट्स का ट्रक लेकर क्रिस के साथ में वहां से चली जाती है। अब थोड़ा आगे पहुंचने के बाद उन्हें उनका फ्रेंड दिखाई देता है, जिससे कि वे लोग जल्दी से ट्रक में आने का बोलते हैं। लेकिन पीछे से उसे एक म्यूटेंट किलर अपने बो से शूट करके उसे मार डालता है, जिसकी डेथ से उन सभी दोस्तों को काफी बुरा लगता है। लेकिन वे लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाते हैं। अब थोड़ा आगे जाने पर उनके सामने एक पेड़ की ब्रांच आ जाती है, जिस वजह से वो अपना ट्रक रोकते हैं और ट्रक रुकते ही उसका पहिया जमीन में धंस जाता है, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते और पैदल ही अपने सफर को जारी रखते हैं। अब उन्हें चलते चलते सुबह से शाम हो जाती है, जिस वजह से वो थक भी जाते हैं और रुककर थोड़ा रेस्ट करने की सोचते हैं, जहाँ पर कार्ली उन्हें एक वॉच टावर दिखाती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश होते हैं और उस वॉच टावर के ऊपर चढ़ जाते हैं। ऊपर जाने के बाद में वे लोग उस पूरे जंगल को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा विशाल और बहुत ही घना था। और इसके बाद में वे लोग उस जगह को एक्सप्लोर भी करते हैं, जहाँ पर जेसी को एक फर्स्ट एड किट दिखाई देती है, जिससे कि वो क्रिस के जख्म पर उसकी पट्टी करती है। तभी कार्ली को वहाँ पर एक रेडियो मिल जाता है, जिसकी मदद से वे लोग अपने पास के पुलिस स्टेशन पर कॉन्टेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उन्हें सामने से कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता है। और तभी क्रिस नोटिस करता है कि वो तीनों म्यूटेंट्स उन्हें ढूंढते ढूंढते उस वॉच टावर तक आ गए हैं, जिन्हें देखने के बाद में वो उन सभी को छिपने का बोलते हैं। लेकिन तभी उनके रेडियो से पुलिस का रिप्लाई आता है, जिसकी आवाज वो म्यूटेंट्स भी सुन लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये लोग वॉच टावर के ऊपर हैं। पुलिस उन सभी से उनकी लोकेशन पूछती है, लेकिन इन सभी को इनकी लोकेशन के बारे में कुछ पता नहीं होता है, जिस वजह से पुलिस इन सभी लोगों की हेल्प करने के लिए नहीं आ पाती है। और तभी रेडियो के सिग्नल चले जाते हैं और हम उन म्यूटेंट्स किलर को ऊपर आता हुआ देख पाते हैं, जिनसे बचने के लिए क्रिस वहां पर रखी हुई वजनदार चीजों को वॉच टावर के गेट पर रख देता है, ताकि वो म्यूटेंट्स ऊपर नहीं आ सके। लेकिन वो म्यूटेंट्स नीचे से वॉच टावर पर आग लगा देते हैं, जिसके बाद में वे लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां की एक विंडो को तोड़ देते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम सब इन बड़े से पेड़ की ब्रांचेस पर जंप करेंगे। क्रिस पहले जाता है और उसे जिंदा देखकर जेसी और कार्ली भी एक एक करके उन ट्रीज की ब्रांच पर कूद जाती है, लेकिन वहां से कूदते हुए उनको वो किलर देख लेते हैं, जिसके बाद में वो भी उन ब्रांचेस पर चढ़ जाते हैं। और इन सब के दौरान एक म्यूटेंट्स कार्ली के पीछे आ जाता है
और अपना हैमर काली के मुंह में घुसाकर उसे बेरहमी से मार डालता है, जिसे देखकर क्रिस और जेसी दोनों इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन वे लोग अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग जाते हैं और क्रिस यहां पर जेसी को बताता है कि मैं उस किलर को अपने तरफ बुलाऊंगा और तुम इस ब्रांच को होल्ड करके रखना, और जैसे ही वो तुम्हारे सामने आएगा तुम इस ब्रांच को उस पर छोड़ देना। लेकिन जेसी इस बार उसे ऐसा करने से मना करती है और खुद ही उस म्यूटेंट को अपनी तरफ बुलाती है, और उसके सामने आते ही क्रिस उस ब्रांच को छोड़ देता है, जिसके बाद वो म्यूटेंट इतनी हाइट से नीचे गिर जाता है और उस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो गया था। जिसके बाद में वो म्यूटेंट्स काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और दोबारा से उनके पीछे पड़ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्रिस और जेसी वहाँ से निकल कर एक वाटरफॉल के पीछे छुप जाते हैं और वो रात वहीं पर बिताते हैं। अब अगली सुबह हम लोग उन दोनों को वहाँ से जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर थोड़ा आगे जाने के बाद में उन्हें एक हाईवे दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन तभी वो म्यूटेंट्स उन पर हमला कर देते हैं और क्रिस को नीचे गिराकर जेसी को वहाँ से अपने साथ में ले जाते हैं। तभी क्रिस को वहाँ पर एक पुलिस की कार दिखाई देती है और वो उससे मदद मांगने के लिए वहाँ पर जाता है। वो सारी सिचुएशन के बारे में उस ऑफिसर को समझा रहा होता है कि तभी एक म्यूटेंट उस ऑफिसर की आंख पर अपने बॉस से अटैक करता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। क्रिस उसकी कार के नीचे छुप जाता है और फिर वो म्यूटेंट उस ऑफिसर की बॉडी को कार में रखकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग जेसी को देखते हैं, जिसे उन किलर ने एक बेड पर बांध कर रखा हुआ था और वो उसे टॉर्चर कर रहे थे। तभी वहाँ पर वो दूसरा किलर उस पुलिस ऑफिसर की बॉडी को अंदर लेकर आता है, जिससे वे लोग काट कर खाने लगते हैं। और ये सब देखकर जेसी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। और बाहर हम क्रिस को देखते हैं, जो कि जेसी की आवाज़ सुनकर उसे बचाने के लिए उस घर में आग लगा देता है और कार से उस घर का दरवाज़ा तोड़ते हुए उन म्यूटेंट्स पर अटैक कर देता है। वो एक किलर के सीने में एक नुकीले वेपन को घुसा देता है, जिसके बाद में वो जेसी को खोलने के लिए जाता है। लेकिन तभी पीछे से एक दूसरा किलर उस पर हमला करता है और वो उसे बस मारने ही वाला था कि तभी जेसी एक बो को उस किलर के सर में घुसा देती है, जिसकी वजह से वो किलर वहीं पर मारा जाता है। लेकिन अभी भी एक और किलर जिंदा था, जो इन दोनों पर अटैक कर देता है। लेकिन इस बार भी जैसे तैसे वो दोनों उससे बेहोश कर देते हैं। फिर क्रिस उनकी गन लेकर बाहर आता है और कार के फ्यूल टैंक पर शूट कर देता है, जिसके बाद में वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और सीन यहाँ पर कट होता है। अब मूवी के एंड में हम लोग क्रिस और जेसी को देख पाते हैं, जो कि उन म्यूटेंट्स के ट्रक को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और वे उसी गैस स्टेशन पर पहुँचते हैं। उन्हें वहाँ पर आता देखकर गैस स्टेशन के ओनर को लगता है कि इस ट्रक में वो किलर हैं और वो उसे मारने आ रहे हैं। जिनसे बचने के लिए वो गैस स्टेशन का ओनर अंदर चला जाता है और वहाँ पर छुप कर देखने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि ट्रक के अंदर क्रिस और जेसी है। फिर क्रिस उस मैप को फाड़ देता है, जिसे देखकर उन्होंने वो रॉन्ग टर्न लिया था। अब हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पुलिस उसी घर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आई हुई थी। लेकिन तभी एक ऑफिसर के पीछे उन्हीं म्यूटेंट्स में से एक म्यूटेंट आ जाता है, जो कि उस पुलिस ऑफिसर को बहुत ही बुरी तरीके से मार डालता है, जिसके बाद में ये मूवी उसी म्यूटेंट की खौफनाक हंसी के साथ में एंड हो जाती है। दोस्तों, आज की हमारी इस मूवी में हमने देखा कि इंसान की एक छोटी सी गलती उसे कितनी महंगी पड़ सकती है, और ट्रैफिक में कुछ टाइम फंसे रहने की जगह शॉर्टकट के थ्रू रॉन्ग टर्न लेना क्रिस को कितना महंगा पड़ गया था। दोस्तों, ये रॉन्ग टर्न मूवी का पहला पार्ट था, जिसमें अभी भी बहुत सारे पत्ते खुलना बाकी है। ये म्यूटेंट्स कौन थे और ये जंगल में क्यों रह रहे थे, ये आपको आने वाली कहानी में पता चलेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे साथ में इस सीरीज में बने रहिएगा, क्योंकि आपको इस सीरीज में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं जल्दी ही आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।